हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को डिजाइनिंग ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी ब्लाउज डिजाइनिंग कटिंग करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। आज मैं आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कैसे डिजाइनिंग नेक ब्लाउज कटिंग करना है। तो चलिए बैक साइड की तरफ से देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैक साइड की तरफ से कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी पॉप स्लीव डिजाइनिंग प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। तो आज मैं आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कैसे डिजाइनिंग नेक ब्लाउज कटिंग करना है। मैंने यहाँ पर इस ब्लाउज को कटिंग करने के लिए अस्तर का फैब्रिक लिया है, 75 सेंटीमीटर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ से बैक पार्ट काट करूंगी। बैक पार्ट कटिंग करने के लिए यहाँ से कुछ इस तरीके से टू फोल्डिंग कर लूंगी। फोल्डिंग इतना तक ही करना है। आपका ब्लाउज कितना साइज है यही देखना है। जितना साइज का भी हो, आप कोई भी साइज का ब्लाउज कटिंग कर सकती हो। उसके साथ एक्स्ट्रा 1.5 इंच 2 इंच इस तरीके से अलग से फैब्रिक ऐड करना है। तो यहाँ से ब्लाउज का लंबाई रखूँगी 15 इंच तक। ब्लाउज का लंबाई रखूँगी, ये तैयार होगा 14 इंच तक। और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 1 इंच, तो टोटल 15 इंच का ब्लाउज का लंबाई। तो यहाँ से शोल्डर में 5.5 इंच से रखूँगी, क्योंकि ये बैक साइड की तरफ से डीप डिजाइनिंग है। तो यहाँ से 5.5 इंच से रखूँगी। तो चलिए अभी नेक लाइन रखूँगी। नेक लाइन कितना तक लेना है, तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं इसमें कितना डीप ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से 2.5 इंच तक रखूँगी। और यहाँ से देखिए डिजाइनिंग बनाने के लिए बैक साइड की तरफ से कितना तक डाउन करना है। तो यहाँ से देखिए 10 इंच तक मैंने डाउन किया है। और इस जगह से भी देखिए 2.5 इंच तक इस तरीके से बराबर मिलाऊंगी। फिर चलिए आर्म होल का मेजरमेंट रखूंगी। आर्म होल का मेजरमेंट कितना तक लेना है, देखिए यहाँ से 5.25 इंच तक रखूंगी। 6 इंच होने से 2 सूट कम रखूंगी। और यहाँ से बराबर 5.5 इंच तक मिलाऊंगी। फिर चलिए यहाँ से इस तरीके से मिला दिया है मैंने। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आर्म होल को मैंने एल शेप बना कर दिया है। तो चलिए अभी बैक साइड की तरफ से बी नेक का शेप लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कुछ इस तरीके से लेना है। तो चलिए अभी यहाँ पर नेक का शेप दूंगी। नेक का शेप कैसे देना है, देखिए यहाँ से मिडल बराबर करके लूंगी। फिर यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर बी नेक का शेप लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर नेक का शेप दे दिया है। तो चलिए अभी साइज का मेजरमेंट रखूँगी। जैसे कि ये ब्लाउज देखिए 38 साइज के हिसाब से रखूँगी मैं। यहाँ पर देखिए 9.5 इंच तक और एक्स्ट्रा फैब्रिक 2 इंच तक रखूँगी, नहीं तो 1.5 इंच तक रखूँगी। तो चलिए यहाँ से भी डिजाइनिंग का निशाना लगाऊँगी। ये यह देखिए यहाँ से 4.5 इंच तक रखूँगी। फिर यहाँ से ये देखिए स्केल से कुछ इस तरीके से मैंने मेजरमेंट कर ले लूंगी। फिर चलिए यहाँ से आर्म होल का शेप लगाऊंगी। मैंने यहाँ पर 3.5 इंच में एक निशाना लगाकर इस तरीके से आर्म होल का शेप लगा लिया है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकती है पूरा पूरी बैक साइड कंप्लीट है। और कटिंग कर लूँगी जिस तरीके से मैंने यहाँ पर चौक का निशाना दिया है, उसी निशाना का बराबर काट कर लूँगी। ये देखिए बैक साइड की तरफ से इस तरीके से नेक डिजाइन काट किया है। तो चलिए अभी फ्रंट साइड काट करूँगा। पहले आप चाहो तो पेपर में काट कर सकती हो फ्रंट पार्ट को, और जब फैब्रिक में डायरेक्ट काट करेगा तो उस टाइम पे एक साइड की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक रखना होगा, 2 सूट नहीं तो 3 सूट का इस तरीके से लगभग। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए 1 इंच का लगभग यहाँ पर इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है लंबाई में। प्रिंसेस का ब्लाउज में हमेशा लंबाई में भी ज़्यादा लेना होता है और चौड़ा में भी ज़्यादा लेना होता है। उसके बाद देखिए बैक पट के हिसाब से कुछ इस तरीके से निशाना लगा कर लेना है। उसके बाद चलिए फ्रंट साइड की तरफ से भी नेक का शेप देना है। तो यहाँ से देखिए 7.5 इंच तक रखूँगी नेक का शेप। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको भी बी नेक का शेप लगाऊंगी।
ये देखिए इस तरीके से, यहाँ से देखिए इस तरीके से शेप मिला लूँगी। ये देखिए, अगर आप इसको और भी अंदर की तरफ से देना तो दे सकती हो। और यहाँ से 10.5 इंच तक रखूँगी बस पॉइंट, और इस साइड से देखिए 3.8, यहाँ से भी 3.8, फिर इसको सीधा कर लूँगी। तो चलिए अभी यहाँ से 5.5 इंच नहीं तो 5 इंच पे यहाँ पर इस शेप को लगाना है। और यहाँ से देखिए टोटल 3 इंच का टैक्स लगाऊंगी, एक साइड की तरफ से 1.5, दूसरा साइड की तरफ से 1.5, तो टोटल 3 इंच का टैक्स लगाऊंगी। इसको देखिए मैंने इस तरीके से मिला दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रंट साइड भी कंप्लीट है, तो इसलिए इसको काट कर लूँगी। डिजाइनिंग पिंसेस का ब्लाउज कटिंग करना कितना इजी है आप लोग इस वीडियो में देखा ही होगा, मैंने किस तरीके से यहाँ पर कटिंग किया है आप लोग खुद ही देख सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकती है बैक साइड और फ्रंट साइड डिजाइनिंग किया हुआ नेक है। तो चलिए यहाँ से भी इसको काट कर लूँगी। ये देखिए कटिंग में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखकर काट किया है फैब्रिक में, क्योंकि यहाँ पर सिलाई करने के टाइम में फैब्रिक में थोड़ा कपड़ा खिसक आ जाता है, तो इसलिए देखिए जिस साइड में कटिंग कर रहे हैं उसी साइड की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा 3 सूट नहीं तो 2 सूट ज़्यादा रखकर काट करना है सिलाई के लिए। देखिए आज तक पे पूरा पूरी कटिंग कंप्लीट है, तो चलिए इसी के हिसाब से फैब्रिक में भी काट कर कर लूँगी। फैब्रिक में कटिंग करना अभी देखिए बिल्कुल इजी है, सिर्फ इस कटा हुआ पार्ट को फैब्रिक के ऊपर में रखकर काट कर लेना है।
तो चलिए अभी स्लीव काट करूँगी। स्लीव के काट करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 फोल्डिंग करके लिया है। स्लीव का लंबाई देखिए टोटल 9.5 इंच तक होगा और इस साइड से देखिए 7.5 इंच तक रखूँगी और यहाँ से आपने राउंड का शेप देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक 1.5 इंच तक है। तो चलिए यहाँ से हमारा स्लीव का जितना तक मेजरमेंट है मैंने उसी के हिसाब से ले लिया है और यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा पॉप के लिए मैं यहाँ से देखिए 3.5 इंच कुछ इस तरीके से रखूँगी और यहाँ से इस तरीके से पहले मिलाना है, फिर उसके बाद यहाँ से 2.5 इंच में एक निशान लगाया और यहाँ से इस तरीके से शेप मिलाना है। देखिए ये देखिए पहले मेजरमेंट बराबर कर लूँगी, फिर यहाँ से इस तरीके से इस शेप को देना है। चाहे तो आप इसको और भी अंदर की तरफ से शेप लगा सकती हो इस तरीके से, ये देखिए। अब पॉप को खड़ा रखना है तो इस तरीके से भी दे सकती हो। तो चलिए अभी यहाँ से काट कर लूँगी। तो यहाँ तक होगा हमारा स्लीव का मेजरमेंट और यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा लिया है ये पॉप के लिए है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेट डालूंगी। आप इसको और भी ज़्यादा पॉप रखना है तो आप और भी ज़्यादा रख सकती हो, जैसे कि 5.5 इंच इस तरीके से ले सकती हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकती है डिजाइनिंग नेक पॉप स्लीव ब्लाउज कटिंग कितना इजी है। अगर आप लोग भी इस ब्लाउज के जैसा ब्लाउज बनाना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। इसका कटिंग का वीडियो आप लोग बहुत जल्द मिल जाएगा। कटिंग का वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कुछ दिन बाद मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सब